अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल दीनी बातें चैनल पर। नाज़रीन इकराम, बच्चे और बच्चियों की तालीम का नज़म दीनी माहौल में किया जाए। अब से पहले मुझे रूहानी सुकून हासिल नहीं था। मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना तारिक जमील साहब की हमेशा एहसान मंद रहूँगी। कौम व मिल्लत पर दारुल उलूम देवबंद का एहसानात आबे ज़र से लिखने के लायक है। दारुल उलूम देवबंद पहुँच कर साबिक अदाकारा सना खान ने अपने माजी और हाल की जिंदगी पर तफसीली गुफ्तगु की। दारुल उलूम अशरफिया देवबंद पहुँच कर इदारे के बानी और मुहतमी व शेखुल हदीस हजरत मौलाना सालिम अशरफ साहब से की खुसूसी मुलाकात और दुआएं ली। इस्लाम की तबलीग और इसात से मशहूर सबक अदाकारा सना खान ने कहा कि तालीम ही तरक्की का वाहिद रास्ता है। हमें अपने बच्चे और बिलखसूस बच्चियों को आला तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहिए और उनकी तालीम व तरबियत का नज़म दीनी माहौल में करना चाहिए। उन्होंने कहा, दीनी तालीम हमारी बुनियादी ज़रूरी है, लेकिन जदीद उलूम से हम आहंगी की भी बुनियादी ज़रूरी है। सना खान अपने शोहर मौलवी अनस के साथ स्पिंगबेल पब्लिक स्कूल के चेयरमैन साद सिद्दीकी के रिहाइशगाह पर सहाबी से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने अपनी सबक जिंदगी पर तबसरा भी किया और रोशनी डाली। बताए गए इंडस्ट्री से निकलना उनके लिए कितना मुश्किल था, लेकिन जो रूहानी सुकून और जो मसर्रत आज महसूस करती है, लेकिन ये कभी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और आज मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ। दीगर मेरे मुसलमान भाई और बहन जो दीन से दूर हैं और ऐसी गंदगी में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है, और मैं उनके लिए दुआएं भी करती हूँ और उन्हें सही रास्ते में लाने की कोशिश भी कर रही हूँ। सना खान ने एक सवाल के जवाब में बताया, उनकी ज़िंदगी में तब्दीली की वजह मेरे शोहर मुफ्ती अनस हैं, जो शादी से पहले मुझे अल्लाह और रसूल की तालीम से आगाह कर रहे थे। उन्होंने बताया, आलम इस्लाम की मुमताज़ शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब और हजरत मौलाना तारिक जमील साहब ने मेरी ज़िंदगी में इनकलाब लाने में बड़ा रोल अदा किया है। इन हजरत की मोहब्बतें और रहनुमाई में जिंदगी भर एहसान मंद रहूँगी। उन्होंने बताया, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने से मुतअल्लिक में लेटर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने ही तहरीर किया था। सना खान ने बताया कि मैं पहले मरतबा 2013 में उमरा किया, फिर 2017 में मेरी मुलाकात मुफ्ती सैयद अनस से हुई थी। मैं उनसे काफ़ी मुतासिर हुई, लेकिन फिर मैं अपनी साबिका ज़िंदगी में लौट गई, मगर 2020 में अल्लाह ताला ने हिदायत दी, जिसमें मेरे शोहर का बहुत अहम किरदार है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर आज भी मुझे निशाना बनाया जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे अब कोई चीज़ परेशान नहीं करती है। उन्होंने कहा, हालात का मुकाबला सिर्फ मोहब्बत से किया जा सकता है। दीन इस्लाम की बुनियाद ही मोहब्बत है, इसलिए हमें सख्ती से नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत से लोगों को अल्लाह के रास्ते के तरफ बुलानी चाहिए। उन्होंने कहा, हमें इख्तलाफी चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए, बल्कि अल्लाह के दीन की तबलीग और इशाअत के लिए काम करना चाहिए। मुल्क की हालात के हवाले से सना खान ने कहा कि मुस्तकबिल में हालात इससे ज़्यादा मुश्किल होंगी, लेकिन हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूत से थामना है। सना खान ने साफ लफ्जों में कहा, उनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो बच्चियों की तालीम और दीनी इशाअत के लिए अपने को वक्फ करना चाहती हैं। उन्होंने कहा, दीनी और दुनियावी उलूम दोनों उलूम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने साद सिद्दीकी के जरिए दी जाने वाली तालीमी खिदमात की शताइश की। सना खान ने एक सवाल के जवाब में कहा, गुज़िश्ता कई सालों से देवबंद आने की ख्वाहिश रखती थी और दारुल उलूम देवबंद आकर उन्हें बहुत खुशी और सुकून मिला। सना खान ने उलमाए देवबंद की कुर्बानी के बारे में कहा, देवबंद की जरिए खिदमात कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और मुल्क और मिल्लत पर दारुल उलूम देवबंद की एहसानात हैं और आबे ज़र से लिखने के लायक हैं। इस दौरान मुफ्ती अनस गुफ्तगू के दौरान सना खान की शादी के बाद आई तब्दीली पर रोशनी डाली और बताया, सोशल मीडिया पर अभी भी
कई तरह की लोग उन्हें तानो तशनी कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से गुफ्तगू से कोई असर नहीं होता। उन्होंने कहा, हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होना चाहिए और खल्के खुदा से भी हमारा रफ्त बेहतर होना चाहिए। मुफ्ती सैयद आनस ने कहा, सना खान की मोमिना सिफत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, हमें शिद्दत पसंदी छोड़ना होगा क्योंकि इस्लाम ही अखलाक और मामलात के जरिए से ही दुनिया में इनकलाब लाई जा सकती है। आखिर में उन्होंने शाह सिद्दीकी और अहमद सिद्दीकी साहिबान का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन इकराम, इस तरह से खबर खुलकर आ रहा है कि सना खान और मुफ्ती अनस दारुल उलूम देवबंद पहुंचकर इस तरह से बयान दिए हैं। नाज़रीन इकराम, इसलिए सोचा हम आप हज़रात की खिदमत में रख दें। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के ताल्लुक से आप क्या राय रखते हैं, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नाज़रीन इकराम, वीडियो को लाइक कर दें और खूब शेयर करें। चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। जज़ाकुमुल्लाहु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।